So, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो दूध लिया था उसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है एंड वो हाफ हो चुका है. मैंने इसको पहले ही बॉईल कर लिया था एंड अब हम एक बाउल लेंगे जिसके अंदर हम पानी डाल देंगे, एक कटोरी पानी. सो मैंने एक बाउल में पानी डाल लिया है एंड अब हम उस बाउल में कस्टर्ड पाउडर डालेंगे. सो हम उसमें 4 टेबलस्पून ऑफ कस्टर्ड पाउडर डालेंगे एंड अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से. हमने इसको पानी में इतना डाला है ताकि ये पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए, बिकॉज नहीं तो अगर हम इसको पानी में मिक्स नहीं करते तो फिर हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है एंड हमें इसे पकाना ही पड़ता है. हम इन्हें बिना पकाए नहीं किसी भी चीज़ में यूज़ ले सकते हैं जैसे, क्योंकि बहुत सारी हार्मफुल चीज़ें होती है हमारे लिए. सो या अब ये मिक्स हो चुका है अच्छे से एंड आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है. अंदर जितने भी पार्टिकल्स है उसको अच्छे से मिक्स होना चाहिए एंड अब हम इसको हमारे मिल्क के अंदर डालेंगे. सो अब हम पूरे को मिल्क के अंदर डाल देंगे एंड देन अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे ताकि जो कस्टर्ड का फ्लेवर है एंड कलर है वो हमारे पूरे दूध में मिक्स हो जाए. एंड अब जब तक अच्छे से थोड़ा सा हम इसे और बॉयल होने देंगे एंड ऑब्वियसली हम मैंगो कस्टर्ड बना रहे हैं तो हमें मैंगो प्यूरे भी बनाना पड़ेगा एंड हम हमारा जो दूध है उसको चलाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे अच्छे से ताकि हमारा जो कस्टर्ड है वो क्रीमी हो जाए. समय से बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, नहीं तो चिपक जाएगा एंड जल जाएगा. सो मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक मैंगो लिया है एंड हम उसको एक ब्लेंडर के अंदर डाल लेंगे. छोटे छोटे पीसेस करने हैं उसके. और अगर आपका मैंगो ज़्यादा मीठा नहीं हो, आई मीन ज़्यादा स्वीट नहीं हो, तो फिर आप उसमें शुगर भी डालें अगर आप उसको और ज़्यादा स्वीटन करना चाहते हैं. और अगर आपका मैंगो स्वीट हो तो आप ना डालें उसमें शुगर एंड आप उसका टेस्ट ज़रूर से कर लें, नहीं तो हो सकता है कि आपका मैंगो जो है वो बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाए या फिर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मीठा हो जाए, तो उसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा फिर. सो आपको एक पूरा मैंगो यूज़ करना है इसमें एंड जितनी हमें क्वांटिटी उसमें डालनी होगी जिससे कि हमारा जो मैंगो का फ्लेवर है वो आए उतनी हम डालेंगे. सो मैंने सारे मैंगोज कट कर दिए हैं एंड देन हम इसमें वाटर डालेंगे ताकि हमारा जो ब्लेंडर है वो स्मूथली चले. सो हम इसमें 1/2 ग्लास ऑफ वाटर डाल देंगे. आफ्टर दैट हम इसमें थोड़ी सी शुगर डाल देंगे. सो मैं सिर्फ इसमें 2 स्पून ही शुगर डालूंगी बस एंड अब हम इसे एक अच्छा सा ब्लेंड देंगे. सो अब आप देख सकते हैं कि अच्छे से ब्लेंड हो चुका है हमारा मैंगो प्यूरे, अच्छे से बन चुका है एंड आई थिंक सो कि हमें इसमें थोड़ा सा वाटर और डालना चाहिए. सो या हमने इसमें बाकी का बचा हुआ जो पानी था हमारा वो भी डाल दिया है. सो मैंने इसमें टोटल 1 ग्लास ऑफ वाटर डाला है. बाकी आप इसको जितना थिक करना चाहे आप कर सकते हैं. डन. सो अब हमारा जो मैंगो प्यूरे है वो रेडी है. सो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो कस्टर्ड है वो कितना क्रीमी हो रहा है धीरे धीरे और थिक भी हो रहा है. सो अब हम इसमें 7 to 8 स्पून ऑफ शुगर डालेंगे. तो इनको डालते हैं. आप देखो. सो अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है एंड हम इसको हमें घुमाते रहना है एकदम अच्छे से. अभी हमें इसे थोड़ी देर और बॉयल होने देना है. सो आपके पास जितने भी फ्रूट्स अवेलेबल हैं आप वो उसमें डाल सकते हैं. मेरे पास अभी ज्यादा फ्रूट्स अवेलेबल नहीं है, सिर्फ मैंगो एंड वो ही है खरबूजा यानी कि मस्टमेलन. सो मैं बस उनको काटूंगी. आपके पास जितने भी फ्रूट्स हो, एनी फ्रूट, आप कोई भी फ्रूट डाल सकते हैं. आप इसमें अनार डाल सकते हैं, आप उसमें एप्पल डाल सकते हैं, बनानास डाल सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज डाल सकते हैं, जो भी फ्रूट आप एंड आप उनको जिस भी साइज में आप काटना चाहते हैं उस साइज में आप काट सकते हैं. अगर आप उनको बड़ा काटना चाहते हैं तो आप बड़े भी काट सकते हैं एंड अगर आप उनको छोटा काटना चाहें तो फिर आप उनको छोटा भी काट सकते हैं, एज यू विश. सब आप देख सकते हैं कि कितना क्रीमी हो रहा है धीरे धीरे और जब हम इसको निकाल के साइड में रख देंगे ना तो ये अपने आप और ठीक हो जाएगा.
हम इसे थोड़ा सा और बॉयल होने देंगे। अब हम यहाँ पे मसमेलन भी काट रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो कस्टर्ड है वो एकदम थिक हो चुका है। मैंने जो गैस है वो बंद कर दिया है एंड मैंने गैस का फ्लेम पूरे टाइम लो पर ही रखा था। अब हम इसको निकाल लेंगे बाहर। अब हम इसको रेफ्रिजरेट करने के लिए रख देंगे, फिर पहले हम इसे ठंडा होने देंगे 10-15 मिनट, आफ्टर दैट हम इसे रेफ्रिजरेट करने के लिए रख देंगे एंड उसमें बाद में हम इसको एटलीस्ट 2 आवर्स तक रेफ्रिजरेट करेंगे एंड देन हम इसमें हमारा मैंगो प्योर एंड हमारे फ्रूट्स डालेंगे एंड आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब सबसे पहले मैंने कस्टर्ड को 1/2 आवर के लिए बाहर रख दिया ताकि वो नॉर्मल हो जाए। आफ्टर दैट मैंने उसको 1 आवर के लिए रेफ्रिजरेटर नहीं सिर्फ फ्रिज में रख दिया। अब ये ऑलमोस्ट ठंडा हो चुका है। सबसे पहले हम इसमें हमारा जो मैंगो का पल्प है वो डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम मैंगो प्यूरे को। अब हमारा जो मैंगो प्यूरे है वो मिक्स हो चुका है इसमें अच्छे से। अब हम इसे हमारे फ्रूट्स डालेंगे। मेरे पास फ्रूट्स में मस्कमेलन है एंड मैंगो जैसे कि हमने बनाया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे फ्रूट्स को। आप इसमें और भी फ्रूट्स डाल सकते हैं, आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। हमारा जो कस्टर्ड है वो रेडी है। अब हमारा जो मैंगो कस्टर्ड है वो रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल क्लिक द बेल आइकन टू नेवर मिस माई वीडियो and do comment that what do you want me to make in my next video. Bye!